डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो क्लास ट्वेल्थ में जो भी हम लोग केमिस्ट्री में चल रहे थे, आईयूपीएसी नाम को भी सीख रहे थे हम लोग। अब आईयूपीएसी नाम में एल्केन से संबंधित, एल्कीन से संबंधित और एल्काइन से संबंधित ये तीन नामकरण अभी हम लोगों को सीखने थे, जिसमें से दो टाइप्स को हम लोगों ने सीखा है, जिसका नाम है एल्केन से संबंधित, दूसरा का नाम है एल्कीन से संबंधित और तीसरा का नाम है एल्काइन से संबंधित। तो दो हम लोग सीख लिए हैं, चलिए आइए अब सीखते हैं एल्काइन से संबंधित एल्काइन से संबंधित आईयूपीएसी नाम, एल्काइन से संबंधित आईयूपीएसी नाम। चलिए अब एल्काइन से संबंधित आईयूपीएसी नाम को सीखने के लिए हमें कुछ बात को फिर फॉलो करना पड़ता है। अब इसके लिए कौन कौन सा रूल है, कौन कौन सा नियम है, कौन कौन सा बात को फॉलो करना पड़ेगा, तो इसके नीचे फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे। फर्स्ट एरो देकर सबसे पहले पीसी चुनना होगा, सेकेंड एरो में जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे लिखिएगा सेकेंड एरो में, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, यदि ट्रिपल बॉन्ड फेल हो जाए तो सब्स्टिट्यूएंट के आधार पर नंबरिंग करेंगे, फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, यदि सब्स्टिट्यूएंट फेल हो जाए तो अल्फाबेट के आधार पर नंबरिंग करना होगा, फिर नेक्स्ट एरो में लिखेंगे इसमें सफिक्स के रूप में सफिक्स हम समझा चुके हैं ना, सफिक्स का मतलब क्या हुआ, अंत में जुड़ने वाला, ठीक है, इसमें सफिक्स के रूप में आइन जोड़ा जाता है। चलिए तो अब हम लोग एल्काइन से संबंधित आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए कुछ रूल्स नियम को लिखें। क्या लिखें कि सबसे पहले भाई पीसी चुनना होगा, और इसमें जो बोला कि ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ेगा आपको उधर से ही नंबरिंग करना होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड फेल हो जाता है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, यदि सब्स्टिट्यूएंट फेल होता है तब हम लोगों को अल्फाबेट देखना होगा, अल्फाबेट देखेंगे और नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हो जाएगा उसके बाद हम लोग सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं जैसा कि लिखते आ रहे हैं पहले जैसा, और फिर उसके बाद हम लोग ऐसे यानी कि जब ट्रिपल बॉन्ड वाला लिखेंगे तो उसके लास्ट में आयन जोड़ देंगे, ठीक है। अब आयन जोड़ेंगे तो फिर कैसा सिचुएशन बनेगा, जरा इन बातों पे हम लोग विचार करते हैं और फिर चीजों को सीखते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं।
ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो एल्काइन से संबंधित है, और इस एग्जाम्पल्स को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो हम लोग उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले चलिए पहला चार सवाल है जो एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे CH2C CCC, कुछ भी रहेगा हम सबसे पहला रूल क्या सीखे, प्रिंसिपल चेन चुनना। और प्रिंसिपल चेन के बारे में आपको पता है, क्या पता है, कि प्रिंसिपल चेन एक ऐसा चेन होता है जिसमें कार्बन की संख्या होती है, कार्बन की संख्या होती है, सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या होती है। और उसमें ये भी सीखे हैं कि उसमें दो ही छोर होने चाहिए, तीन छोर नहीं होना चाहिए। तो चलिए आपको हम पीसी चुन के दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो पहला सवाल है, इसमें टोटल कार्बन कितना, तो 1 2 3 कार्बन। तो क्या 3 कार्बन का चैन लिया जा सकता है, तो जी बिल्कुल लिया जा सकता है, तो इसको हम लोग चैन बना दिए। दूसरा सवाल में कितना कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन नहीं है, ये तो क्लोरीन है, 6 कार्बन। तो क्या 6 कार्बन को चैन में हम लोग शामिल कर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 6 कार्बन को अगर शामिल करना होगा तो ऐसे ही करेंगे। तो ये कार्बन का चेन बन सकता है क्योंकि दो छोर है, एक छोर ये है और एक छोर ये है, तो दो छोर होना भी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग दूसरे सवाल में पीसी चुनेंगे। तीसरा सवाल में देखिए, तो कितना कार्बन है काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5, सॉरी 6 नहीं है, ये क्लोरीन है ना, तो 5 ही कार्बन है। तो यहां पे हम लोग 5ों कार्बन को लेकर चैन बना सकते हैं, तो जी बिल्कुल, देखिए चैन बन गया है ना। तो चैन चुनना सबसे पहले आपको सीखना चाहिए कि चैन का मतलब होता है सबसे लंबा चैन जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, उसको हम लोग प्रिंसिपल चैन पीसी कहते हैं। चौथा सवाल में टोटल कार्बन कितना है जरा देखिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। क्या 7ों कार्बन का चैन बनाया जा सकता है, देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 7ों कार्बन का जो चैन है वो बनाया जा सकता है, देख पा रहे होंगे 7ों कार्बन का चैन बनाया जा चुका है। क्योंकि चैन का मतलब हम ये थोड़ी ना बोले हैं कि टेढ़ा नहीं होना चाहिए, कैसा भी हो उसका दो छोर होना चाहिए, दो छोर है। चलिए अब इस क्वेश्चन में हम लोग अधूरा काम कर लिए हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल चैन चुनना होता है वो काम तो कर लिए, अब रहा बात अब नंबरिंग करने के लिए। तो नंबरिंग करने के लिए इसमें रूल नियम क्या लिखे हैं कि जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। अगर मान लिया कि ट्रिपल बॉन्ड फेल हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड फेल हो जाता है, तब हम लोग काम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे, ठीक है, कब, जब ट्रिपल बॉन्ड फेल हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि पीसी का तो दो ही छोर है, अब दोनों ही छोरों से आप नंबरिंग करके ट्राई कीजिए कि किधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें पहले सवाल में दो छोर है, एक लेफ्ट एंड एक राइट, दो छोर है, अब किधर से नंबरिंग किया जाए, तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से करेंगे राइट तरफ से तो 1 नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो इसमें किधर करेंगे, 1 2 3, यानी हम लोग करेंगे राइट तरफ से नंबरिंग। जरा इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि दो छोर है, एक ये वाला छोर है और एक ये वाला छोर है। तो इधर से जब करेंगे तब कैसा कैसा सिचुएशन बनेगा, जब इधर से करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड कितना नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यानी कि जब राइट तरफ से कर रहे हैं तो 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है। जरा इधर एक दूसरे छोर से देख लीजिए कि किधर से नजदीक पड़ रहा है भाई, इधर से करेंगे तो 1 2 3, यानी कि जब हम दूसरे छोर से कर रहे हैं तो 3 नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड।
तो इसीलिए बोलते हैं कि यहां पे ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड जो है फेल कर गया। अब जब ट्रिपल बॉन्ड फेल हो जाता है तब हम लोग अब सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट किसको कहते हैं, तो जो पीसी से जुड़ा हुआ रहता है, या फिर बोले प्रिंसिपल चेन के जो जो चीज बाहर बच जाता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो दूसरा सवाल में सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, तो पीसी के बाहर जो दिख रहा है एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है, ये दोनों क्या है, तो पीसी के बाहर है। तो जब पीसी के बाहर है तो हम इन्हीं दोनों को बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट, क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, चूंकि ट्रिपल बॉन्ड तो फेल हो गया, क्यों फेल हुआ, क्योंकि एक छोर से भी तीसरा तो दूसरे छोर से भी तीसरा नंबर पे आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड हम लोगों का फेल हो गया। और जब ट्रिपल बॉन्ड फेल हो जाता है तब हम लोगों को सब्स्टिट्यूएंट देखना रहता है। सब्स्टिट्यूएंट देखिए, इधर से अगर राइट तरफ से देखिए तो सब्स्टिट्यूएंट कितना नंबर पे आ रहा है, एक, दो नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और तीन, चार, पांच नंबर पे आ रहा है। यानी कि राइट तरफ से देख रहे हैं तो कितना कितना नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है, दो पे, पांच पे। जरा अब हम लोग लेफ्ट तरफ से देख लेते हैं, दूसरी साइड से देख लेते हैं, दूसरे छोर से देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कितना नंबर पे पड़ रहा है। इधर से करेंगे तो एक, दो नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट, तीन पे कोई नहीं, चार पे कोई नहीं, पांच पे सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि जब दूसरे छोर से कर रहे हैं उसमें भी दो पांच लड़ जा रहा है। इसलिए प्यारे साथियों हम लोग यहां पे बोलेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट भी क्या हो जा रहा है, फेल हो गया। और जब तक सब्स्टिट्यूएंट फेल हो गया तब काम क्या करेंगे, तो अब हम लोग काम करेंगे अल्फाबेट लगाएंगे, क्योंकि लास्ट तो यही है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट फेल हो जाता है तो हम लोग अल्फाबेट लगाते हैं। तो यहां पे चलिए अल्फाबेट लगाइए, यहां पे अल्फाबेट लगाएंगे कैसे भाई, तो अल्फाबेट का मतलब होता है कि अब जो सब्स्टिट्यूएंट है, कौन कौन सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक ब्रोमीन है और एक क्लोरीन है। तो क्लोरीन का नाम होता है क्लोरो, और क्लोरो का स्पेलिंग होता है सी से, और एक है ब्रोमीन, और ब्रोमीन का नाम होता है ब्रोमो, इसका स्पेलिंग बी से होता है। तो अल्फाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में पहले किसका नाम आता है, बी आता है कि सी आता है, यानी कि ब्रोमीन कि क्लोरीन, तो आपको पता चलेगा कि अल्फाबेट में सबसे पहले ब्रोमीन आता है। इसीलिए हम लोग इसी छोर से नंबरिंग करेंगे। तो हम लोग चलिए नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नंबरिंग करेंगे। फिर अगर बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है तीसरा नंबर, इसमें तो पीसी तो दिख रहा है आपको, पीसी दिख रहा है। अब पीसी चुनने के बाद हमें नंबरिंग करना होता है। अब जरा नंबरिंग कीजिए, तो नंबरिंग कीजिएगा तो उधर से नंबरिंग करना है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। तो यहां से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक किधर से पड़ेगा, हम जरा इधर से काउंटिंग करते हैं, तो एक नंबर, दो नंबर, तीन पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है, तीन पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है। इधर से कितना नंबर पे, तो एक पे और दो पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है। तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे, राइट से कि लेफ्ट से, आपको पता चला राइट से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड राइट से दाहिने तरफ से दो ही नंबर पे पड़ रहा है, जबकि इधर से करेंगे तो एक, दो, तीन नंबर पे पड़ रहा है। इसलिए हम लोग चलिए इसका जो नंबरिंग करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, नंबरिंग कर दी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे, कि इसमें किधर से नंबरिंग करेंगे। इस प्रिंसिपल चेन का दो छोर है, एक ये वाला छोर और एक ये वाला छोर। जरा इस छोर से काउंटिंग कीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड कितना नंबर पे आ रहा है, तो एक, दो, तीन, चार नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। किधर से, तो इधर से आया चार नंबर पे,
और जरा इधर से देख लीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड देखा जाता है कि ट्रिपल बॉन्ड कितना नंबर पे आ रहा है, जिसको हिंदी में त्रिबंध बोलते हैं, तीन गो बॉन्ड। तो इधर से देखेंगे तो एक दो तीन नंबर पे आ रहा है, तो इधर से करेंगे तो तीन नंबर पे आ जा रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से करेंगे तो चार नंबर पे आ रहा है। तो हमारे लिए कौन बेहतर है, तीन की चार? तो तीन, क्योंकि हम लोग अक्सर जनरल लाइफ में उसी रास्ते को चुनते हैं जो बड़ा शॉर्ट रहता है, शॉर्ट रास्ते को ज्यादा चुनते हैं। उसी तरीके से यहां पे भी शॉर्ट रास्ता चुनना है जहां पे ट्रिपल बॉन्ड जल्दी मिले, है ना। तो इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड इस छोर से नजदीक पड़ रहा है। तो आइए नंबरिंग कर लेते हैं। इसका हो जाएगा वन, इसका हो जाएगा टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ठीक है। अब जो है हम लोगों का 90% काम हो जाता है। अगर आप पीसी चुन लिए, नंबरिंग कर लिए, समझिए कि 90 से 95% आपका काम हो गया, ठीक है। अब आपको काम क्या करना है, अब आपको जो काम करना है वो नाम लिखने का है। अब नाम लिखने वाले में भी हम सिखाए हैं कि सबसे पहले जो है सब्टिचुएंट का नाम लिखा जाता है। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, सब्टिचुएंट का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला नंबर में सब्टिचुएंट कौन है, आई है। और आई का नाम हमको पता है कि आई का नाम आयोडो होता है। तो ये जो सब्टिचुएंट है ये कितना नंबर पे है, तो तीन नंबर पे है। तो इसका जो नाम होगा थ्री आयोडो, थ्री आयोडो लिख दिए। अब उसके बाद देखिए कि कार्बन में जो चैन बनाए हैं, चैन में कितना कार्बन है, तो एक दो तीन, चैन में तीन कार्बन है। अब जब चैन में तीन कार्बन है तो तीन नंबर पे क्या आता है, तो मेथ, एथ, प्रोप, तीन नंबर पे प्रोप आता है। अब प्रोप में क्या जोड़ना है, आयन जोड़ना है। क्यों, क्योंकि यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला में रूल होता है कि आपको सफिक्स के रूप में आयन जोड़ना है। सफिक्स का मतलब अंत में, यानी कि प्रत्यय के रूप में आयन जोड़ना है। तो थ्री आयोडो मेथ एथ प्रोप, प्रोप में आयन जोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा प्रोपाइन। तो इसलिए अब इसका पूरा नाम क्या हो गया, पहला का नाम हो गया थ्री आयोडो प्रोपाइन, ठीक है। चलिए अगले का को करते हैं हम लोग। तो अगले का नाम कर, नाम आयोपेशी नाम लिखने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि सब्टिचुएंट है कहां कहां। तो सब्टिचुएंट एगो दो पे है और एगो पांच पे है। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, तो जो सबसे पहले मिलेगा आप रास्ते में उसी से ना बात करते हैं जो सबसे पहले मिले और आपके जान पहचान का हो। तो अक्सर बात कर लेते हैं जो नजदीक होता है ना। तो जो आपके पड़ोसी होते हैं वो ज्यादातर आपका हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, मददगार होते हैं। अब ये बात अलग है कि अब लड़ाई झगड़ा छोड़ो, हटाओ। तो यहां पे एक तरफ दो पे सब्टिचुएंट है, एक तरफ पांच पे सब्टिचुएंट है। तो सबसे पहले हम लोग दो वाला लिखेंगे। हालांकि हम कितना बार बोल चुके हैं कि जितना भी सब्टिचुएंट रहेगा मेरे दोस्त, दो रहे चार रहे, सबसे पहले आप सब्टिचुएंट का नाम लिखो। सब्टिचुएंट नाम अगर मान लेते हैं हजार को रहेगा, हजार को सब्टिचुएंट का नाम लिख दो, उसके बाद चैन वाला का नाम लिखा जाता है, तब आइन चाहे इन चाहे एन जोड़ना है, ठीक। जरा बात करते हैं तो दो पे क्या है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन नहीं लिखना है क्योंकि हम पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि ब्रोमीन का नाम होता है ब्रोमो। तो ये कितना पे है, दो पे, तो इसका नाम हो जाएगा टू ब्रोमो। एगो के सब्टिचुएंट लिख दिया, अगला कौन सा है, पांच। पांच पे क्या है, सीएल। तो सीएल का नाम क्या होता है, क्लोरो। तो यहां लिख देंगे पांच क्लोरो, फाइव क्लोरो। इसको लिखने के बाद क्या लिखेंगे, अब कार्बन में, क्योंकि दो ही ना सब्टिचुएंट था, सब्टिचुएंट का तो नाम पूरा हो गया, तो अब कार्बन में कितना चैन में कितना कार्बन है, तो एक दो तीन चार पांच छह पे क्या आता है, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, छह पे हेक्स आता है। तो यहां पे हो जाएगा हेक्स और इसमें आयन जोड़ेंगे तो हेक्साइन, ठीक है। चलिए
आगे अगर हम लोग सीखते हैं तो सबसे पहले यहां पे देखिए कि कितना सब्टिचुएंट है। तो सब्टिचुएंट का मतलब तो हम आपको ये बताए हैं कि सब्टिचुएंट जो चैन से जुड़ा रहे। तो चैन से कौन कौन जुड़ा है, तो आप बोलिएगा कि सर ब्रोमीन भी सब्टिचुएंट है और क्लोरीन भी सब्टिचुएंट है और हाइड्रोजन भी सब्टिचुएंट है। तो जी नहीं, गलत, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी सब्टिचुएंट नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोजन को हटा कर देखा जाता है, पूरे जितने भी तत्व है हाइड्रोजन को छोड़कर और कुछ भी मिल जाता है उसको हम लोग सब्टिचुएंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हाइड्रोजन सब्टिचुएंट के रूप में नहीं है। तो यहां पे सब्टिचुएंट के रूप में कौन कौन सा है, ब्रोमीन और क्लोरीन। दोनों कितना पे जुड़ा हुआ है, दोनों ही वन पे जुड़ा है, तो इसका नाम लिख दीजिए अच्छे से, वन पे ब्रोमीन है तो वन ब्रोमो कॉमा, वन पे क्लोरो ही है तो फिर से लिखिएगा वन क्लोरो। ध्यान दीजिएगा यहां पे वन वन नहीं लिखेंगे साथ में, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों एक ही जैसा नहीं है। अगर यहां पे बीआर रहता, यहां पे भी बीआर रहता, तब हम इसको लिखते वन वन डाई ब्रोमो लिखते, जैसा कि हम पिछले क्लास में बताया है कुछ अन्य यौगिकों के आईयूपीएसी नाम में। तो अगर यहां पे दोनों सेम सेम रहता और एक ही से जुड़ा रहता तब उसको दो बार एक एक करके लिखते, लेकिन दोनों अलग अलग है इसलिए एक ब्रोमो एक क्लोरो। अब दोनों का नाम हो गया। अब एक पीसी में कितना कार्बन, तो पांच कार्बन, और पांच का नाम क्या है, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। अब पेंट में आयन जोड़िए तो क्या बनेगा, पेंटाइन। इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चार। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है यहां पे देखिए, तो सब्टिचुएंट कितना है, तो दो सब्टिचुएंट है, एक एफ है और एक आई है, और एफ को बोलते हैं फ्लोरो और आई को बोलते हैं आयोडो। एफ को फ्लोरो, आई को आयोडो। सबसे पहले एक पे तो कोई सब्टिचुएंट नहीं, दो पे सब्टिचुएंट है कौन, आई, तो आई का नाम क्या होता है, आयोडो, तो इसलिए इसका नाम लिख दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा टू आयोडो, टू आयोडो। फिर कॉमा, एक और सब्टिचुएंट है, कौन सा, तो छह पे जुड़ा हुआ है जिसका नाम फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन का नाम क्या होगा, फ्लोरो, इसलिए इसका हो जाएगा सिक्स फ्लोरो, सिक्स फ्लोरो, यानी कि टू पे आयोडो सिक्स पे फ्लोरो, और टोटल कितना कार्बन का चयन है, तो टोटल सात कार्बन का चयन है, यानी कि कार्बन चयन में टोटल सात कार्बन है। तो सात पे कौन कौन आता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, और हेप्ट में आयन जोड़िए तो क्या बनेगा, हेप्टाइन, हेप्टाइन। तो इस तरीके से हम लोग एल्काइन से संबंधित आईयूपीएसी नाम करते हैं। तो इन चीजों को समझ गए होंगे, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए देते हैं, आप खुद इन क्वेश्चंस को कीजिएगा कि कैसे हम लोग बनाते हैं। चलिए लिखिए कुछ क्वेश्चंस। तो अभी जो हम लोग सीखे एल्काइन से संबंधित आईयूपीएसी नाम, तो चलिए उसी से रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित का आईयूपीएसी नाम लिखें। अब ये जो सारा क्वेश्चन दिया है ढंग से देख लीजिए एक बार, और इन चारों क्वेश्चंस को होमवर्क्स के तौर पे, इन एल्काइन से संबंधित कुछ यौगिक हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये अलग है, तीसरा सवाल यहाँ है अलग टाइप में, इसीलिए घेर दे रहे हम, मिलाने दीजिएगा सबको। ठीक है, ये ऊपर वाला फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ अच्छे से देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो देखने में, नहीं तो फिर नाम गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बोलना चाह रहे हैं कि आपका टोटल एल्काइन से संबंधित कुछ यौगिक दिया गया है, इनका आप नाम लिखिए आईयूपीएसी नाम, अच्छे तरीके से लिखिए, सभी रूल को फॉलो कीजिए, कोई चीजें हार्ड नहीं है, तो इन सारी चीजों को बना के जरूर भेजिए ग्रुप में। तो आज की क्लास को बस यहीं तक एंड करते हैं,
फिर अगले क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बहुत सारे रिएक्शंस हैं, उसके पहले कुछ हम लोगों को बातों को जानने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं, तो उन चीजों को हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक खत्म कीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद। और जिसको जरूर बना के भेजिए, क्लियर कट उतार लीजिएगा। धन्यवाद।